साहब की निगरानी में आज बीबी के अलावा और दूसरे आशिक खानों का भी दौरा हुआ और खुशूसन मुहर्रम का मुहर्रम के वक्त जो हाथी का इस्तेमाल किया जाता है उसका रिहर्सल भी हमने झंडी दिखाई हमारे चेयरमैन साहब ने और अल्लाह के फजल करम से तेलंगाना रियासत की जो हुकूमत है कलवकुंतला चंद्रशेखर राव साहब की जैर निगरानी में अब तक टोटल 84 आशु खानों को हुकूमत की जानब से जो ग्रांटिनेंट दिया गया वह बोर्ड के जरिए चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पर चेयरमैन साहब ने तकरीबन 84 आशु खानों को अल्लाह के फजल करम से तकरीबन 40 लाख रुपये अब तक अल्लाह के फजल में तकसीम हो चुके हैं और जिसके कुछ चेक्स अभी आशु खाने जो इंस्टीट्यूशन से नहीं लिए उनको भी इंशाल्लाह हम जरूर एक दो दिन में उनके हैंड ओवर कर देंगे क्योंकि 7 तारीख से पहले उन लोगों का पैसे चले जाना है और पूरे इंतजाम बोर्ड अपनी निगरानी में लेकर अच्छे से अच्छा क्योंकि यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में अब तक किसी हुकूमत ने मुहर्रम फेस्टिवल को इतनी अहमियत नहीं दी क्योंकि मेरी सियासत के वजीर आला कलवकुंतला चंद्रशेखर राव साहब खुद मुहर्रम को अपनी नज़र में एक अहमियत से देखते हैं और वो अकीदत के साथ मुहर्रम को मानते हैं जिस तरीके से वो बोनाल का और बदकमा त्यौहार को मानते हैं उसी हिसाब से वो मुहर्रम को भी एक अहमियत देते हैं। मुहर्रम में खुसूसन हमारी शिया ब्रदरी भी बड़ी अहमियत के साथ इसको एक बड़ा फेस्टिवल मानते हुए बड़े पैमाने पर करती है। हुकूमत भी इसको सरकारी दर्जा दे रही है मुहर्रम के इस फेस्टिवल को और अल्लाह के फजलों से वक्फ की जानिब से तकरीबन 84 इंस्टीट्यूशनों को इस जानी वक्फ यानी ग्रांटिनेट फ्राहम कर चुके हैं और अच्छे से अच्छे इंतजाम के लिए वक्फ खुद जस्तजुनी है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की तारीख में कोई ऐसी रियासत नहीं होगी जहाँ पर तेलंगाना रियासत में जिस तरीके से मुहर्रम को अहमियत देते हुए उनके इंस्टीट्यूशनों को फंड हुकूमत की जानिब से ग्रांटिनेट दिया जा रहा है ये बहुत बड़ा कारनामा है। मैं केसीआर साहब के इस कारनामे को सराहता हूँ और उनको अदब से मैं सलाम करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को और मुस्लिम कम्युनिटी के जितने ग्रुप्स हैं तकरीबन को अल्लाह के फजल करम से फंड हर फेस्टिवल में फराहम कर रहे हैं। इस फेस्टिवल में भी सीएम साहब के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने तेलंगाना हुकूमत के जरिए हमारे इस मुहर्रम के फेस्टिवल में वक्फ के जरिए तमाम को ग्रांटिनेट दिया है और भी जो हमारे पास दरख्वास्तें वक्फ बोर्ड में आ रही है इंशाल्लाह हम उसको भी अल्लाह के फजल करम से एक दो दिन में उसको भी हम फंड जारी करेंगे क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास ग्रांटिनेट मौजूद है और वक्फ बोर्ड के पास फंड भी मौजूद है वक्फ बोर्ड देने के ख्याल है। और भी कुछ दरख्वास्तें अगर आपकी नज़र में भी है तो इंशाल्लाह इस बारे में दे सकते हैं।